अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट फीचर्स हैं, जिसमें पीसीपी कैलकुलेटर है, जिसमें फ़ी कैलकुलेटर है, तो वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ से जाके हमको चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे ऑप्शंस के ऊपर, फीचर्स के ऊपर, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन मौजूद हैं, और वो हमें बहुत फ़ायदेमंद होंगे हमें अपनी फ़ीस को कैलकुलेट करने के लिए और पीसीपी कैलकुलेटर के तौर पे भी। सबसे पहले हम फॉर्म रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये वेरिफिकेशन पोर्टल के टैब के नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है और इसी तरह डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, फॉर्म का नेम हम कैसे चेक कर सकते हैं, कोड्स हैं, पीसीपी कैलकुलेटर है, और फाइनली हमारे पास फ़ी कैलकुलेटर है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पॉलिसी की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के अंदर वो तमाम कोड ऑफ एथिक्स इन्होंने मैंशन किए हुए हैं, वो कोड ऑफ एथिक्स मैंशन किए हुए हैं जिनके आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते। आप किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, ना आप एज ए फर्म उसके साथ कोई कोलैबोरेट कर सकते हैं, ना आप एज ए इंजीनियर्स के साथ काम कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं ले सकते कि जो कि कोई प्रोडक्ट आप बीच में छोड़ नहीं सकते। तो इस टाइम टोटल कोड ऑफ एथिक्स हैं जो कि इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आजकल वेबसाइट की मेंटेनेंस है तो वो यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पहले तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते जब मैनुअल अप्लाई करना होता था, तो अब टोटल जो है वो तीन आपको एफिडेविट्स चाहिए, एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए जब आपने इंजीनियर को ऐड करना है। जितने इंजीनियर्स आप ऐड करेंगे उसके आप उनके आप अपॉइंटमेंट लेटर साथ करेंगे, उनके सीवीज अटैच करेंगे, साथ आप जो है वो अपना एफिडेविट करेंगे। दो एफिडेविट्स चाहिए, एक इंजीनियर्स का एफिडेविट चाहिए और साथ एक आपको कंपनी के सीईओ या ओनर का चाहिए, और एक एफिडेविट आपको तब चाहिए होगा इंजीनियर को जब वो जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा रहे होंगे। तीसरा आपके पास फर्म नेम अवेलेबिलिटी चेक है कि अगर आप अपनी कोई फर्म रजिस्टर करवाना चाहते हैं, कोई नाम आपको सोचा हुआ आपने, तो आप यहाँ पे जाके उस नाम को चेक कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में चेक करना चाहिए या ऑपरेटर में, दोनों में। यहाँ पर आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने NLC के नाम से कोई फर्म रजिस्टर करानी है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो नाम PEC के साथ अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप फर्दर प्रूफ को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर जाके। फिर हमने चेक किया था कि कोड ऑफ कोड डिटेल्स के, हमने जब पोर्टल पे भी थे तो वहाँ पे भी हमने चेक किया था कि कोड डिटेल्स का मतलब क्या है, कि अगर आपने काम करना है किसी भी फर्म के साथ, और कोड्स बेसिकली चाहिए तब होते हैं जब आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आप जो भी कोड आपके पास होता है उसी कोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपके पास सिविल का कोड है तो आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो, और आपके पास इलेक्ट्रिकल का कोड है तो आप सिविल वर्क भी कर रहे हो। सिविल वर्क के अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने कहीं एक्सक्यूवेटिंग करनी है, कहीं पर आपने डिगिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें सिविल वर्क्स में आती हैं। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल का कोड है तो आप वो नहीं कर सकते, वो आप यहाँ तक अपना प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करेंगे या कोलैबोरेट करेंगे किसी दूसरी फर्म के साथ। तो कोड डिटेल्स के अंदर आपके पास सारे कोड्स और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगी। यहाँ से आपको जो भी कोड्स चाहिए वो आप पहले कहीं जगह पर नोट डाउन कर लें, और फिर उसके बाद आप, क्योंकि जो कोड्स आप अप्लाई करेंगे उन कोड्स की आपको साथ साथ इंजीनियर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल की फर्म है या जनरल ऑर्डर सप्लायर की फर्म है, तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल के आइटम्स प्रोवाइड करें तो आपको इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर चाहिए होगा, अगर आप सिविल का प्रोवाइड करें तो आपके पास सिविल का होना चाहिए। तो इस तरह आपके पास जो भी आप कोड अप्लाई करेंगे, वो कोड आप जब अप्लाई करेंगे तो साथ आपको उसी हिसाब से इंजीनियर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो कोड्स बड़े ध्यान से केयरफुली आप चेक करें। कोड ऐड करने का तरीका तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं उस मेरी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि हम अपने पोर्टल पर जाके कोड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। उसका क्विक एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फ़ौरन से कैम के यहाँ से जाके अपने कोड्स को ऐड कर सकती हैं। ये कोड्स का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हम रिक्वेस्ट कोड कर सकते हैं। किस डिसिप्लिन के लिए हमें चाहिए वो हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें टेली कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। टेली कम्युनिकेशन के अंदर दो कोड्स हैं, 0708, एक हम इंस्टॉलेशन है और एक उसका एक्सटर्नल वर्क के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कोड डिटेल्स भी निकली। फिर अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीसीपी रिक्वायरमेंट। पीसीपी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी, जब हम अपनी अप्लाई कर रहे थे फॉर्म को, सबमिशन के ऊपर क्लिक किया था तो उसने हमें बताया था कि आपके पास जो पीसीपी हैं वो इस वक्त 0 हैं, 5 जो हैं वो चाहिए होते हैं C6 कैटेगरी के लिए। तो एक इंजीनियर को ऐड करें तो आपके पास जो है वो पीसीपी आपको मिल जाएंगे। तो पीसीपी हम चेक कैसे करते हैं कि कितने होने चाहिए और कैसे हमें मिलते हैं, यहाँ से हम
पीसीपी के रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। पीसीपी रिक्वायरमेंट के अंदर वो हमें बता देगा कि C6 की जो पीसीपी रिक्वायर्ड होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। इसी तरह O6 के भी 5 होते हैं, इसी तरह C5 के लिए भी 5 ही होते हैं, C4 के लिए 15 होते हैं, यानी कि एक इंजीनियर जो है उसके पास 5 पीसीबी पॉइंट होते हैं जो बेसिक शुरू होते हैं, ठीक है, 5 पीसीबी पॉइंट से शुरू होते हैं। अगर आपको C3 में करना है तो आपको 3 इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होंगे अपनी फर्म को रजिस्टर कराने के लिए या अपग्रेड करवाने के लिए, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो CA है, जो टॉप की कंपनी होती है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में, एक में 200 चाहिए और एक में 120 चाहिए। तो C1 कैटेगरी के अंदर आपको 90 PCP जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसी हिसाब से फिर आपको इंजीनियर्स भी होंगे। और अब हम PCP कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? PCP कैलकुलेटर के लिए कुछ हम अपने पास से तो नहीं कर सकते, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना डिसिप्लिन ऐड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से PC नंबर इंजीनियर का ऐड करेंगे, उसका फर्म के साथ एक्सपीरियंस कितना और उसकी परसेंटेज कितनी है, यहाँ से हम गेट PCB इस पे करेंगे तो वो सारी जो इंजीनियर की डिटेल है वो आ जाएगी। अब इसमें आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, तो एज आ जाएगी यहाँ पे, बेसिक पॉइंट उसके 5 होते हैं इंजीनियर के, अगर आप उसने MS किया होगा तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे, PhD करेंगे तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे पॉइंट्स, ये बोनस के और एक्सपीरियंस के और पार्टनरशिप के ऐड हो जाते हैं। अगर आपको किसी फर्म के साथ काम करते हुए आप वेल एक्सपीरियंस हो गए तो एक्सपीरियंस की बेस के आपको यहाँ पे 2 PCB पॉइंट्स और मिल जाएंगे। पार्टनरशिप अगर आपकी किसी फर्म के साथ है, फॉर एग्जाम्पल 50% की पार्टनरशिप है, तो यहाँ से आपको 5 PCP पॉइंट्स इस चीज़ के भी मिल जाएंगे कि आप किसी फर्म में 50% के पार्टनर हैं। तो इस तरह आप PCP कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल PCP आपको यहाँ पे जो है वो आपको पता चल जाएंगे आपके 6 PCP है। नेक्स्ट ऑप्शन अब हमारे पास है फी कैलकुलेटर का। फी कैलकुलेटर का हमने देखा था कि हमने अगर अपने फर्म की फ़ी रिन्यू करवाना है या उसको रजिस्टर करवाना है तो वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम यहाँ से ओरिजिन बताएंगे कि पाकिस्तानी है या फॉरेन है, इंजीनियर ओन्ड है येस या नो है, उसके बाद एप्लीकेशन टाइप है, हमने न्यू करनी है तो न्यू पे क्लिक कर देंगे, फॉर्म की कैटेगरी हम बताएंगे, हमने C6 में कैलकुलेट फी हम कर लेंगे। तो फी जो नई फर्म की है वो 15,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने इसी फॉर्म को रिन्यू करवाना होगा, फॉर्म की कैटेगरी C6 होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर हम बता देंगे इसका कि कितना है और नंबर ऑफ इयर्स हमें कितने साल की करवानी है, 2 साल की, तो वो हमें बता देगा कि आपकी जो एरियर्स हैं वो 30,000 हैं क्योंकि 2 सालों की आपकी रहती है, नेक्स्ट 2 सालों के भी 15,000 ऐड करेंगे आप, तो इस तरह आपके टोटल 60,000 हो जाएंगे 2 सालों के लिए। अगर आप इसको 3 सालों पर कर देते हैं तो 15,000 और ऐड हो जाएंगे और इस तरह आपकी टोटल फीस हो जाएगी 75,000। तो ये जो MNST वाली है ये आप छोड़ दें, ये इन्होंने ऐसी लिखा हुआ है, इसका कोई उनके पास MNST आप किसी तरीके से क्लेम नहीं कर सकते, तो जो पैसे आपके पास आ रहे हैं वो आपने जमा करवाने ही करवाने हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को आखिर तक देखने और चैनल को पसंद करने के लिए शुक्रिया। इस तरह की मजीद और वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।